तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर हैप्पी डे। तो यहाँ पर तो सुबह के 6 बजने ही वाला है और यहाँ पर हमारा मिट्टू तो उठ चुका है। तो चलो यहाँ पर हमारे मिट्टू को खाना देते हैं, सुबह सुबह का काम को तमाम करते हैं। यहाँ पर तो हमारा मिट्टू खा रहा है कल का खाना। मिट्टू इसको मत खाओ, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा मिट्टू कल का खाना खा रहे हैं, मगर वहाँ पर बिल्ली, दोनों बिल्ली कैसे खेल रहे हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर थोड़ी बहुत अंधेरा है इसीलिए आपको अच्छे तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखो वो कैसे वहाँ पर है, बिल्ली, दोनों बिल्ली देखो कैसे खेल रहे हैं। सुबह सुबह बिल्ली का काम है खेलना। तो यहाँ पर देखो बिल्ली कैसे छुपके छुपके देख रहा है। यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है हमारा मिट्टू का बर्तन को साफ सफाई करने का, और ये जो साफ करने की औजार है इसको ऐसे करके जस्ट ऐसे कर दो, फिर हमारा बर्तन हो जाएगा साफ। यहाँ पर उस दिन में आपको जो बता रहा था कि हमारे एक चाचा जी जो फूल के पेड़ लाए हुए थे, तो मैं उसको तो उस दिन तो बारी पे लगा लिया था, मगर आज उस पेड़ पे छोटे छोटे फूल फूले हैं। तो चलो मैं आपको उस पेड़ दिखाता हूँ, फूल की पेड़। तो गाइस यहाँ पर रहा उस फूल की पेड़, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पेड़ को लगा लिया हूँ। तो देखो इस पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं, ये वाइट है और ये पिंक कलर। तो देखो तो यहाँ पर तो फिर से आज हमको सुबह सुबह का काम मिल चुका है, वही काम जो बड़े बड़े कार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले कुल्हाड़ी को लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा कुल्हाड़ी तो आ चुका है, तो चलो इस कुल्हाड़ी को लेते हैं और कार्ड को करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आया मैं उड़ कटर, कार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए जा रहा था, मगर इस बिल्ली को देख के मैं सोचा कि तो चलो आपको ही दिखा देता हूँ। आ जाओ, कम हियर। ये रहा सारी लकड़ी, जो जिस लकड़ी को हम काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए। तो चलो यहाँ पर एक ही प्रहार पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में तो कर लिया, तो चलो चलते हैं घर को। तो यहाँ पर तो हमारा वुड कटर की जो जॉब था तो सुबह सुबह का ख़त्म तो हो चुका है। तो यहाँ पर सुबह सुबह थोड़ी बहुत ये जो वुड कटिंग की काम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जैसा हो चुका है, तो थोड़ी बहुत पसीना भी निकल रहा है। तो यहाँ पर तो खाना आ चुका है, ये रहा केला वाला पोहा और ये रहा बेसन की सेब। तो चलो यहाँ पर जल्दी से खाते हैं, और फिर 8:30 बजे आज फिर ट्यूशन भी है। गाइस यहाँ पर तो मैं रेडी हो चुका हमारी ट्यूशन को जाने के लिए, तो चलो मैं चलता हूँ ट्यूशन और मैं आपसे मिलता हूँ ट्यूशन को आने के बाद। तो यहाँ पर तो ट्यूशन से तो आ चुका हूँ, तो आज कितनी तेजी से धूप हो रही, तो यहाँ पर तो वही बिल्ली खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर बिल्ली कैसे सोए हुए हैं। चलो यहाँ पर तो ट्यूशन से तो आ गया, तो अब बारी है नहाने का। तो गाइस मैं चलता हूँ नहाने के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पर तो मैं नहा के तो अब बैठ चुका हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर है भात और ये रहा दाल और ये रहा साग और ये है जो नीम के फूल की पकौड़े और ये रहा करी। तो यहाँ पर तो मेरा खाना पीना तो हो चुका, तो अब बारी है हमारे मिट्टू को खाना देने के लिए, मगर यहाँ पर इतनी तेज़ी से धूप हो रही है, कितनी गर्मी हवा हो रही है। तो देखो गाइस यहाँ पर कितनी तेज़ी से धूप हो रहा है, और फिर ये है एजवेस्ट, तो इसीलिए गर्मी और तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे मिट्टू को पानी दिया था, मगर उस पानी को ज़मीन पर पका कर वो कैसे खेल रहा है, ये गर्मी की वजह से वो नहाने के लिए देखो कैसे हो रखा है। तो यहाँ पर तो इस बर्तन में तो पानी दिया था, तो देखो तो रुको मैं आपको अभी आपके सामने इसको पानी देता हूँ, देखो ना आप ये कैसे होगा। तो देखो गाइस मैं यहाँ पर इस बर्तन पे पानी डाल रहा हूँ, तो देखना अभी हमारे मिट्टू कैसे इस पानी को कैसे ज़मीन पर डाल देगा ना। तो देखो ये है इसका नहाने का स्टाइल। तो देखो गर्मी की वजह से हमारे मिट्टू का हाल बेहाल। तो चलो यहाँ पर तो खाना पीना तो हो चुका है, अब टाइम है थोड़ी बहुत पढ़ाई करने का। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं पढ़ाई और मैं आपसे मिलता हूँ पढ़ने के बाद नहीं तो बीच पे थोड़ा बहुत ब्रेक लेंगे। फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा पढ़ाई की घाटी की ब्रेक तो टूट गई थी, तो इसीलिए और पढ़ाई में बीच से कोई भी ब्रेक भी नहीं लगा, तो अब जाके हमारा ब्रेक तो लगा। तो चलो गाइस यहाँ पर तो बाहर तेज़ी से हो रहा है धूप, तो इसी धूप की वजह से कबूतर कैसे हमारे घर के जो जहाँ पर हमारे घर के ऊपर एक रखा हुआ है वहाँ पर कैसे आके घुसे हुए हैं, तो चलो देखते हैं। तो इस धूप की वजह से यहाँ पर तो थोड़ी बहुत ठंडी हो रही है, तो इसीलिए आके घुसे हुए हैं, ये एक और बाकी उस तरफ है। तो चलो इसको छेड़ते नहीं, यदि हम इसको छेड़ेंगे तो ये उड़ जाएगा। यहाँ पर कितनी तेज़ी से धूप हो रहा है, वो ऊपर क्या लड़ाई कर रहे हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर तो कबूतर तो लड़ाई कर रहे हैं। तो चलो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस यदि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के साथ अपडेट करना।
यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा मिट्टू भैया, मिट्टू भैया।